माफ कीजिएगा सब, हमारी वजह से थारा थारी बिटिया के साथ। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए समधन जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। भारती के बर्ताव से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में मारी विधि ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो थारी जैसी सास मिली। आपने खुद कहा था ना समधन जी कि कोई पिछले जन्म का नाता है मेरा और विधि के साथ। सच में कोई गहरा रिश्ता है जो कोई नहीं समझ सकता। लो बातों बातों में मैं जरूरी बात करना ही भूल गई। विधि, मैं हेल्प करूं? कोई बात नहीं भाभी। ये समधने कमरे में बंद होकर ऐसी क्या जरूरी बातें कर रही है? दिव्या पता कर। वीजी, भारती दीदी बहुत गुस्से में थी, मैंने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। जो जमीन मैंने विधि के नाम की थी उसी के लिए मुझे विधि के कुछ पेपर्स चाहिए होंगे, जैसे 12वीं की मार्कशीट और पैन कार्ड की कॉपी। समधन जी बुरा मत मानिएगा, एक बार अगर आप विधि से बात कर लेते तो। नहीं, जमीन जायदाद का मामलो है ना, इतनो बड़ो चीज आप उसे दे रहे हो, पता नहीं वो राजी होवेगी या ना होवेगी। अभी आप उसे कुछ भी मत बताइएगा, वक्त आने पर मैं उसे खुद बताऊंगी और मना भी लूंगी। एक मिनट, ये लीजिए। आई एम सॉरी विधि, मैं ऐसे शराब पी कर आ गया, तुम्हारी बेइज्जती की। पता नहीं क्या कुछ कह दिया होगा तुमसे। मैंने सुना है इंसान नशे में सच बोलता है, आपने भी सच ही कहा होगा। सच तो आपके मैसेज में भी था, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आप नहीं आ पाए थे, मुझे भी यही ठीक लगा। पर फिर आप। मैं नहीं आने वाला था क्योंकि घबराहट हो रही थी, अजीब सी डिप्रेशन हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक तुम्हारी बात याद आई कि हर रस्म का कुछ ना कुछ मकसद होता है। ये रस्में सिर्फ नाम के लिए नहीं होती बेटी, हर रस्म का एक मतलब होता है, महत्व होता है। इसीलिए रस्म निभाने आ गया। थैंक यू। चले मम्मी जी। विधि, तुम बहुत खुश हो रही होगी ना कि तुम्हारी विदाई हो गई पगफेरों से, पर मैं जानती हूँ ससुराल में तुम्हारे स्वागत की तैयारी इमरती ने बढ़िया सी की होगी।